सत श्री अकाल दा खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। 6 बजे तक दियां पांच खास खबरां दे नाल मैं पुनीत कौर ते शुरुआत करदे आं मौसम दी खबर तों। पंजाब अते हरियाणा विच 7 सितंबर तक मौसम खुश्क रहेगा। अगले 7 दिन पंजाब अते हरियाणा विच कोई मीह नहीं पवेगा। हालांकि 3 सितंबर नूं पंजाब विच मौसम विभाग ने मीह पैण दी संभावना जताई सी, पर हुण 7 सितंबर तक मौसम खुश्क रहण दी ही भविखबाणी कीती गई है। पंजाब दे वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने वन नेशन वन इलैक्शन नूं लैके केंद्र सरकार नूं घेरिया। चीमा ने कहा कि यह लोकतंत्री देश है ते इस नूं लागू करना संभव नहीं है। कई सूबे अजिहे ने जिथे वक्-वक् समें ते चोणां हुंदियां ने, किसी सूबे विच 2 साल बाद ते किसी सूबे विच 3 साल बाद इलैक्शन होणियां ने। सिर्फ एक चोण करवाउणा देश दे लोकतंत्र लई खतरा है। चीमा ने कहा कि भाजपा के इरादे दसते हैं कि भाजपा देश नूं तबाह करना चाहती है। केंद्र की भाजपा सरकार लोकतंत्र लई वड्डा खतरा बन गई है। चीमा ने कहा कि कई खेतरी पार्टियां ते कई राष्ट्रीय पार्टियां ने जेकर किसी पार्टी का आधार किसी सूबे विच होवे तां उह पार्टियां भाषा अते खेतर दे आधार ते बनियां ने, इस नाल उहनां नूं भारी नुकसान होवेगा। देखिए, बहुत सारी रीजनल पार्टियां, बहुत सारी नेशनल पार्टियां, डिफरेंट पार्टियां, किसी पार्टी का आधार किस स्टेट में है, तो जो लैंग्वेज बेस पे या किसी और एरिया बेस पे जो पार्टी बनी हुई है, उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। कहीं ज्योग्राफिकली जब बात करते हैं, जो हिमाचल की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, असम की बात करते हैं, वहाँ ज्योग्राफिकली वहाँ बहुत इम्पॉसिबल होगा कि एक समय इलेक्शन हो। सो मेरा मानना है कि बिल्कुल जो सिस्टम अब चल रहा है इसको ही चलने देना चाहिए। और इसमें श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल वालों एक देश एक चोन तजवीज़ की खुली हमायत की गई है। तो उन्होंने कहा कि घट्टो घट देश के अंदर सारिया विधानसभा लोग सभावां दीयां चोणां तां इकट्ठियां होणियां ही चाहीदियां ने। मैं तां सही मायने ते साडी पार्टी ते मैं इहदे हक च आ, हर दूजे दिन इलैक्शन हो जांदे आ। इक पार्लीमेंट ते एमएलए इलैक्शन इक टाइम होने चाहीदी है। घट घट 5 साल कोई इलैक्शन ना होए की हुंदा है? एक सूबे ते दूजे पार्टियां चल पैंदियां, उहदे बाद दूजे सूबे चल पैंदे आ। हुण मुख्यमंत्री पंजाब दा तुरिया फिरदा महाराष्ट्र, क्यों इलेक्शन करके उन्होंने पार्टी को जिताने वास्ते? एक नेशन वन इलेक्शन वन नेशन बहुत बढ़िया गल है, ते पूरे देश में सहमति होनी चाहिए। अज इंडिया गठजोड़ ने अपनी अहम मीटिंग दे विच 13 मैंबरी तालमेल कमेटी नूं अंतिम रूप दिता है। इस विच केसी वेणुगोपाल, शरद पवार, एम के स्टालिन, तेजस्वी यादव, अभिषेक बैनर्जी, हेमंत सोरेन, संजय राउत, राघव चड्ढा, डी राजा, उमर अब्दुल्ला ते महबूबा मुफ्ती शामिल किए गए ने। यह 13 मैंबरी कमेटी सर्वउच्च फैसला लैण वाली संस्था वजो काम करेगी। सीट वंड ते काम शुरू करेगी। तालमेल कमेटी 30 सितंबर तक सीटां दी वंड नूं अंतिम रूप देवेगी। इंडिया ने संकल्प लिया कि जित्थों तक संभव हो सके अगली लोकसभा इकट्ठी लड़ेगा ते सीट वंड ते काम तुरंत शुरू किया जाएगा। गठजोड़ की मीटिंग विच पास किए गए मते विच ए भी कहा गया कि सहयोगी भावना नाल सीटां दी वंड दा काम जल्दी तो जल्दी पूरा किया जाएगा। इंडिया अलायंस की कोऑर्डिनेशन कमेटी 14 मेंबर कोऑर्डिनेशन कमेटी, उनका स्ट्रक्चर हो गया है। बाद में कैंपेन कमेटी है, वर्किंग ग्रुप ऑफ सोशल मीडिया है, वर्किंग ग्रुप ऑफ मीडिया है और वर्किंग ग्रुप ऑफ रिसर्च है। ये 4 प्रमुख कमेटी का भी गठन हुआ है और सभी अलायंस पार्टी के मेंबर्स उस कमेटी में इंक्लूड कर दिए हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि NCERT नूं डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिता गया। यह जानकारी केंद्रीय सिक्ख्या मंत्री धर्मिंदर प्रधान ने दिती है। मंत्री ने NCERT दे 63वें स्थापना दिवस मौके अपने संबोधन दौरान यह ऐलान किया। भारत दे पहले सूरज मिशन आदित्य L1 नूं लॉन्च करन लई उल्टी गिनती हुण शुरू कर दिती गई है। इसरो ने इसकी जानकारी दिती है। आदित्य नूं कल लॉन्च किया जाना है। यह धरती तो 15 लाख किलोमीटर दूर जाके सूरज नाल संबंधित अंकड़े भेजेगा। ब्यूरो रिपोर्ट द खालस टीवी।